आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 18 से 44 साल के लोगों के कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ। कहा, प्रदेश सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है वैक्सीन। पहले चरण में 7 जिलों के 85 केंद्रों पर हो रहा है टीकाकरण। केंद्र सरकार की पहल पर प्रदेश में शुरू हुआ 18 वर्ष से ऊपर वालों का कोविड वैक्सीनेशन। मंडलायुक्त ने कहा, जिले को मिले 2000 वैक्सीन के डोज, 10 केंद्रों पर हो रहा है टीकाकरण। दो मई को सुबह 8 बजे से जिले के 20 केंद्रों पर की जाएगी पंचायत चुनाव की मतगणना। तैयारियां पूरी, डीपीआरओ ने कहा, कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत होगी मतगणना। कोरोना पीड़ित को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के नाम पर रिश्वत लेने वाले कर्मचारी को गुलहरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरामद किए रिश्वत के 2000 रुपए। मंडलायुक्त ने किया सैनिटाइजेशन के क्षेत्रों का निरीक्षण। कर्मियों से की वार्ता, सैनिटाइजेशन करने के दिए टिप्स। कहा, सैनिटाइजेशन से कोरोना संक्रमण पर लगेगा लगाम। अठारह से 44 साल तक के लोगों को लगने वाले कोविड वैक्सीनेशन का सदर सांसद एवं जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। कहा, एम्स को भी किया जाएगा कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित। मरीजों को मिलेगी इलाज में सुविधा। गोरखपुर में शनिवार को मिले 620 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 42,114। अब तक 446 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 9,602 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। शासन के निर्देश पर जिले में लगाए गए 83 घंटे के कर्फ्यू का दिखा असर। पहले दिन सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। एडीएम सिटी ने कहा, बहुत आवश्यकता पर ही निकले घरों से बाहर, करे कर्फ्यू का पालन। कोरोना संक्रमण की चक्र को तोड़ने के लिए 83 घंटे के लॉकडाउन में महानगर में बड़े पैमाने पर चलाया गया सैनिटाइजेशन का अभियान। नगर आयुक्त ने कहा, 55 गाड़ियों से 70 वार्डों में कराया गया सैनिटाइजेशन। आगे भी अभियान रहेगा जारी। शासन के निर्देश पर जिले में जिला अस्पताल सहित 10 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के लोगों का किया गया कोविड वैक्सीनेशन। 45 साल के ऊपर के 3,425 और 18 साल से ऊपर के 1,558 लोगों को लगी वैक्सीन। टीकाकरण कराने वालों ने कहा, नहीं हुई कोई दिक्कत, नंबर आने पर अवश्य कराएं वैक्सीनेशन। और जिले में नाइट कर्फ्यू शनिवार को भी रहा लागू। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। एडीएम सिटी ने कहा, मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू।